छात्रों का आयोजन एक आयोजक के रूप में। हाँ 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 बिल्कुल। इसका परीक्षण किसी और के द्वारा किया जाएगा, मार्किंग किसी और के द्वारा किया जाएगा, कोडिंग किसी और के द्वारा किया जाएगा, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हम इसको एक मैंने उद्योग कर्मी के रूप में इसका उत्पादन के बारे में सोचे कि कितना लाभकारी हो सकता है, मैंने वातावरण के लिए कितना लाभकारी है, उपभोक्ता के लिए कितना लाभकारी है, बाजार के लिए कितना गतिशीलता प्रदान कर सकता है, इन सारे स्ट्रेंथ भी है। हाँ, तो इस स्ट्रेंथ का अगर बड़ा प्लेट अगर बनाया जाए जी, तो हमको लगता है कि यहाँ पे बात बात में लोग यहाँ भोज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसका बहुत बड़ा उपयोग है। तो इसमें जो है सो अगर पूंजी, चूंकि जो हम देख रहे हैं कि पूंजी का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है जी, हाँ, अगर 5 लाख रुपया पूंजी से भी इसका शुरुआत किया जाए तो भविष्य जो है सो इसका बहुत उज्ज्वल है और ये करोड़ों का लागत का एक यूनिट खड़ा किया जा सकता है 5 लाख से शुरुआत करके। 5 लाख, हाँ, ये शुरुआत करने की ज़रूरत है और उस पर मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है। दिमाग को इधर उधर नहीं करना है, इस पर फोकस करना है और अपने उत्पाद को जो है जगह जगह जितना भी अब हम लोगों का जितना मेला होगा या जितना मान लिया जाए कि हम लोगों का कुछ दुकान भी है जी। एक आर्टिजन कार्ड ले लो तो उसके आधार पर आप हमारे दुकान में भी ये दे दो, ये अद्भुत चीज़ है, सबसे अलग है, डिफरेंट है, इसमें लिखना पड़ेगा कि किस तरह से इको फ्रेंडली है, किस तरह से लोग के स्वास्थ्य के हित में है, ये सब चीज़ बता करके इसको बेचा जा सकता है और इससे आमदनी भी बढ़ेगी और वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा। मैंने कचरा प्रबंधन का भी बहुत बड़ा ये मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो जरूरी है कि इस पर बड़ा मजबूती से और ध्यान मग्न होकर काम करने के लिए पुरस्कार मिल गया तो मिल गया, लेकिन ये आपका प्रचार प्रसार हुआ और प्रचार प्रसार आगे भी होगा। अब हम लोग हर मंच पे आपको आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी बात है, मेरा मकसद सिर्फ पुरस्कार के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, मेरा मकसद है कि नहीं, लोग अवेयर हों। ये हम मैंने कहा कि मैं परिणाम नहीं देने वाला हूँ, अदरवाइज मैं दे देता। सर तो बहुत बेबाकी से बात रखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और एक पुण्य का काम है सर, सवाब का काम है, हमको नेचर को हमको बचाना है, नेचर पर काम करनी है और बहुत ही अच्छा लगा सर से बात करके। और फिर मैंने सर को लिया कि भाई सर दो जो बातें आप कह रहे हैं अगर दर्शकों के बीच में चली जाएगी तो एक मतलब लॉन्ग टर्म तक ये बातें आपकी रहने वाली है, रहेंगी भी ऐसा ही होता है। इसका पेटेंट करा लिए? हाँ सर, इसका पेटेंट है सर। तो ठीक है, ये अपना जो है ना, तो ये तुम्हारा जो प्रोसीजर है जी सर, जो मेथड है जी, जो रॉ मटेरियल आपने जो इन्वेंट किया है जी, उसको खोजा है जी, डिस्कवर किया है, तो इसको भी कॉपीराइट होना चाहिए जी। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमको रॉयल्टी देना पड़ेगा। हाँ। हम इसका टेक्निकल नो हाउ आपको सप्लाई करेंगे जी। इसका टेक्निकल नो हाउ क्या है ये हम आपको बताएंगे। हाँ, पूरा पूरे पूरे तौर पर हमने कर दिया और है। इसका टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे इसका जो मशीन जो एडिक्वेट मशीन है, इक्विपमेंट है, टूल्स है, तो इसका भी एक धंधा शुरू किया जा सकता है कि हम पूरा सेट आपको हर जिले में देंगे, एक आदमी हम खड़ा करेंगे जो यही बनाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, उससे रॉयल्टी लेना है। हाँ, वो हम 2018 में ही सर, 2018 के दिसंबर, 2019 के जनवरी में मैंने पेटेंट फाइल किया था। हाँ, तो पहले जो है सर अपने पाँव पे फाइल किया था तो उसका सर्टिफिकेशन, हाँ सर्टिफिकेशन सब हो गया, तो अच्छा और बहुत ही अच्छा है। किस चीज़ का पेटेंट लिया? प्रोडक्ट का या उसका? प्रोडक्ट का, टेक्निकल नो हाउ, प्रोडक्ट का प्लस उसका प्रोसेस का। हाँ। सब सारी चीज़ों का पेटेंट है। हाँ, तो हो ही गया। अच्छा, हमको तो लगता है पूरा देश के लिए इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी भेजो जी। हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। हाँ, वहाँ पे क्या है कि इनोवेटिव आइडियाज का बजाबता वहाँ अपने से इन्वेंट भी करता है। अच्छा अच्छा, देश को सप्लाई भी करता है, पूरे देश को। अच्छा अच्छा, और खास करके सरकारी अभिकरण सबको। अच्छा, सरकारी एजेंसी को। तो अगर ये आपका चुना गया तो हो सकता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी आपके प्रोडक्ट को आपके नाम से जी जी वो एक चिन्हित कर ले और फिर उसको देश में प्रचार प्रसार करे। अच्छा अच्छा, सर एक बार संपर्क करना चाहिए। अच्छा, सर ने बहुत बड़ी बात करी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को एक बार भेजने के लिए सर ने। हाँ। बोला
तो दर्शक गण देखिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से इंसान जो है कुछ ना कुछ सीखता है। और सर ने एक बहुत ही अच्छा सजेशन किया कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको भेजा जाए। भेजा जाए, पूरा प्रोसीजर भेजेंगे, पूरा प्रोडक्ट भेजेंगे जी, और टेक्निकल नो हाउ भी भेजेंगे जी, इस शर्त के साथ कि मेरा जो है इसको गोपनीय रखा जाए। गोपनीय रखा, हाँ, अगर आपको स्वीकार हो तो मैं आपको इसके प्रचार प्रसार में आपके साथ हूँ, और ताकि देश में जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का मैंने प्रचार प्रसार हो सके और उसका लोग सदुपयोग करें। तो बहुत ही अच्छी बात करी सर आपने, भाभा रिसर्च सेंटर। मैं सर्च करता हूँ उसके बारे में, पता करता हूँ, और आज से ही मैं लग जाता हूँ उसको संपर्क करके। इसको पूरा हम सब कुछ इसका फोटो सब भेज देंगे, फोटो भेज देंगे कैसा ऐसा है, और इस पर जो है सो सारा लिटरेचर भेज देंगे जी जी, किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से इसका उपयोग है जी जी, किस तरह से इको फ्रेंडली है जी जी, किस तरह से लोक स्वास्थ्य के हित में है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा चीज़ लिख करके उसको भेजेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे आपके अनिल कुमार रत्न जी, बहुत ही नॉलेजेबल बातें इन्होंने रखी है। और कैमरामैन भाई साहब नाम बताएंगे, अमन राज जो के भोजपुरी पेंटिंग बनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी ये कैमरामैन का रोल प्ले कर रहे हैं। और थोड़ा क्लोज ले लेंगे अमन भाई इसको, प्रोडक्ट्स को थोड़ा क्लोज ले लेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं ये सब है। ये सॉप हो गया, बिस्किट्स हो गया, ये कॉर्क में बना रहा हूँ जो कि खेलते हैं खेल कूद में जो इस्तेमाल होता है, ये सर्फ पाउडर हो गया, ये ख़ास बात है कि ये टॉफ़ी हो गया, देखें आप। तो कोशिश मेरी है कि कुछ दे देना है। और ये तो कटोरी तो आप जानते ही हैं बेसिकली, और कटोरी का ये हो गया मतलब गुपचुप खाने वाली कटोरी, ये हो गया एक मिठाई अगर है तो उसको खा सकते हैं आप। और ये कटोरी बड़ी वाली कटोरी हो गई, थोड़ा बड़ा है, दो मिठाई या फिर रसमलाई भी आप खा सकते हैं। ये सब मेरा प्रोडक्ट्स है, ये टॉफ़ी हो गया, ये सॉप हो गया, बिस्किट्स हो गया, सर्फ हो गया, कॉर्क हो गया, सबसे छोटी कटोरी, मीडियम कटोरी और बड़ी कटोरी, उसके साथ साथ ये हो गया अब एक प्लेट हो गया। तो लगभग जो है ना मैंने 10 प्रोडक्ट्स का। और एक ख़ास बात है कि देखिए ये जो हो गया पोटैटो चिप्स, इसमें आपको लगता होगा कि ये सिर्फ चिप्स का कवर है, नहीं, इसमें मैंने चिप्स ऑलरेडी डाला भी हुआ है। खास बात ये है, कल मैं चिप्स लाया जिसमें मैंने डाला था। तो लगभग 10 प्रोडक्ट्स हो गया है, और मेरा टारगेट ही था कि कम से कम 10 प्रोडक्ट जो है यहाँ पर रखा जाए। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, ठीक है, तीन दो पाँच, छः सात आठ नौ दस, और ये लगा कि 11 प्रोडक्ट हो गया। तो 11 प्रोडक्ट्स जो है हम डालेंगे, और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन भी होगा, अपना 100% देना है। बस दुआएं और आशीर्वाद आप लोग देते रहें। अनिल सर से बहुत ही अच्छी जानकारी मिली कि भाभा रिसर्च सेंटर इसको भेजा जाए, और फिर मज़ीद बात होती है आपसे। कैमरामैन भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमन कुमार सलाम है भाई आपको। इसी के साथ बात तो यहीं पे विराम लगाते हैं, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो नए हैं तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इनोवेटिव वीडियोज़ आपको जो है मिलती हुई चली जाएगी।